दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जहां पर आपको मिलेंगे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन से रिलेटेड वीडियो। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कॉम्प्लेक्स फिल एंड प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स फिल एंड स्टिच एंगल कैसे देते हैं। उससे पहले व्यू टूल बॉक्स का बेसिक यूज एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिल स्टिच एंगल देन उसके बाद इनपुट ए से ड्राइंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। सबसे पहले किसी भी डिजाइन को ओपन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे करी हुई है। हमने व्यू टूल बॉक्स को यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर ट्रू व्यू बटन है, इस पर क्लिक करें एंड डिजाइन पर जो इफेक्ट हो रही है उस पर ध्यान दो। इसकी शॉर्टकट की है टी बटन। आप टी बटन को दबा के इसका यूज देख सकते हैं। अब उसके बाजू वाला बटन पर क्लिक करें और इफेक्ट देखें। इससे आपकी डिजाइन की स्टिच अपीयर एंड डिसअपीयर होगी। इसकी शॉर्टकट की है एस। आप कीबोर्ड पर एस बटन का यूज करके इस इफेक्ट को दर्शा सकते हैं। अब उसके बाजू वाला बटन दबाइए और इफेक्ट देखिए। ये जो आउटलाइन है ये हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है। आप कीबोर्ड पर एल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस इफेक्ट को बताने के लिए। अब उसके बाजू वाले बटन को दबाइए। ये हमारे जो स्टिच के नीडल पॉइंट हैं उसका व्यू बताते हैं। इसकी शॉर्टकट की है पॉइंट। अब उसके बाजू में जंप बटन है जो कि डिजाइन की जंप को दिखाता है। अब उसके बाजू में जो बटन है उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और उसके बाजू में जो बटन है उसके लिए भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ इस बटन पर क्लिक करें, शो बिट मैप बटन पर। इस बटन पर क्लिक करने से बैकग्राउंड की इमेज दिखाई देगी और नहीं दिखाई देगी। इसकी शॉर्टकट की है डी। इसके बाद वाले सारे बटनों को हम लास्ट में सीखेंगे जब आपको पूरा सॉफ्टवेयर आ जाए। अब हम सीखेंगे डिजाइन के स्टिच को एंगल कैसे देते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करें एंड डिजाइन को ड्रॉ करते हैं। डिजाइन के ड्रॉ होने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एच प्रेस करें कीबोर्ड पर या तो एडिट टूल्स पर जाओ, स्टिच एंगल पर क्लिक करें। ऐसे डिजाइन को एंगल सेट करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स फिल की जगह इनपुट ए का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एंगल देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उनके साथ ही एंगल सेट करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कैसे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले इनपुट ए को सिलेक्ट करें।
यहाँ पे इस वीडियो को पूरा करते हैं और अगले वीडियो में सीखेंगे इनपुट बी एसटी टाइप को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।